हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? कल व्लॉग नहीं आ पाया, आज व्लॉग आ रहा है और यहाँ भी कट गया और यहाँ पर भी कट गया। कैसे कटा है आज वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज पता नहीं, पहले तो बाल कट गए मेरे, देख लो, मैंने खुद ही काटे हैं, पता है, खुद से काटे हैं। और हमारी मैडम महारानी ने थोड़ी सी हेल्प की है उसमें काटने में, ठीक है। तो बट वो तो चलो ठीक है, जैसे जैसे कट गए इतने अच्छे तो कटे नहीं हैं, पीछे से तो दिखाने लायक ही नहीं है, तो पीछे से नहीं दिखा रहा मैं, बट आगे से ठीक लग रहे हैं, मतलब काम चल जाएगा अपना, है ना? तो काम चला रहे हैं इससे, थोड़ा थोड़ा साइंटिस्ट जैसा फीलिंग आ रही है ना, लग रहा हूँ ना, लगना तो चाहिए, हूँ तो नहीं बट लगना तो चाहिए साइंटिस्ट। बनना था बचपन में, पता है, साइंटिस्ट ही बन गए इंजीनियर, और फिर पता चला कि आर्टिस्ट बनना चाहिए था। मतलब कैसे कैसे इंसान की सोच बदलती रहती है। खैर वो तो अलग बात है, बट आपको मैं जो बताने वाला था, जो कट गया है, बाल तो कट गए हैं, वो तो चलो ठीक है कट गए, बट यहाँ जो एक्चुअल चीज़ कटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि मेरा जो जीमेल अकाउंट है ना, उसको पता नहीं क्या हो गया यार, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हुआ क्या है, मेरा जीमेल अकाउंट, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जीमेल अकाउंट, और ये देखो क्या आ रहा है जीमेल पे लिख करके, पढ़ो थोड़ा साफ साफ, आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे टेकी हो। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनयूजुअल यूसेज, अकाउंट टेम्प्रेरी लॉकडाउन। अभी इतने सारे लॉकडाउन ओपन हो गए, अब यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, टू कीप योर सिस्टम हेल्दी, गूगल हैज़ टेम्प्रेरी डिसेबल्ड योर अकाउंट। और ये कह रहे हैं कि द अकाउंट डिटेक्ट अनयूजुअली हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, इन मोस्ट केसेस इट शुड टेक 1 आवर टू रीगेन एक्सेस, बट अभी 1 आवर से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई एक्सेस नहीं मिला मुझे। इन रेयर केसेस इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स फॉर एक्सेस टू बी री इंस्टॉल्ड, ठीक है। वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हियर आर सम रीज़न वाई दिस हैज़ हैपेंड, जो रीजन्स लिखे हुए हैं वो भी आप पढ़ लो यहाँ पे। मोटे तौर पे मुझे जो रीज़न लग रहा है वो ये है कि रिसीविंग, डिलीटिंग, डाउनलोडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मेल वाया POP और IMAP इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो बेसिकली आप लोगों की एंट्रीज आई है ना, उसकी वजह से, या तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बेसिकली डाउनलोड कर रहा था आप लोगों की सारी आर्ट वर्क्स को और यहाँ पे सेव कर रहा था, ये वाला जो पे है देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर रहा था उसको, और ऑलमोस्ट मैंने 500 के अराउंड सेव कर लिया था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि ये टेम्परेली अनअवेलेबल बता रहा है और विदाउट गिविंग मी एनी सच वैलिड रीजंस। तो देखते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ बेटर आए, हो सकता हो थोड़ी देर में अकाउंट फिर से रीइंस्टॉल्ड हो जाए या रिवैलिडेट हो जाए, जो भी हो। बट आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम हो गई ना बॉस, तो पोपट हो जाएगा हमारा, बहुत बुरा वाला है, हमारी कटेगी सच में, क्योंकि सारी आपकी एंट्रीज इसी मेल पे आई है और ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी यार, मतलब गूगल या जीमेल से ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड तो नहीं था। और इस टाइम पे मतलब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, एंट्रीज आपकी आई हैं धमाकेदार, इतना सब कुछ सही चल रहा है और उसके बाद फिर ऐसी न्यूज़, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प तो करती है बट कभी कभी ऐसा काटती है ना जो समझ ही नहीं आता। मैं विश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरा आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये भी थी कि सोनू सूद सर ने हमारे एक एंट्री को लाइक किया और उन्होंने अपने स्टोरी में भी डाला है, आप लोगों को पता ही होगा, मैं आप फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने उसको इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था कल। बेसिकली क्या है ये, तो ये है बेसिकली वो आर्ट एंट्री जो कि राहुल ने बनाई हुई है और ये उनका इंस्टा अकाउंट है, मैंने स्टोरी में भी डाला है इसको, और इसको सोनू सूद सर ने अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था, बहुत ही अच्छा क्रिएटिव आर्ट वर्क है। और फिर देखो यहाँ पे कमेंट भी किया हुआ है सोनू सूद सर का ही, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सेंड मी दिस वाओ, ठीक है। और उसके बाद जो कमेंट उसमें लिखा था, उसमें लिखा था वाओ दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, येस एंड येस आई नीड दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने बेसिकली काइंड ऑफ डूडलिंग है ये, जो कि पोर्ट्रेट के ऊपर की गई है और उस पर पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी है, मैं शेयर करूँगा डिटेल में, हो सकता हो आपने इंस्टाग्राम में देख भी लिया होगा ये वाली एंट्री को। तो पूरी जो इमेज है उसके ऊपर स्टोरी लिखी हुई है, उनकी पूरी कहानी, क्या क्या चला, उन्होंने कहाँ कहाँ मूवीज़ की, बहुत कुछ है इसमें, मतलब पूरी की पूरा एक पोर्ट्रेट, ये मतलब क्रिएटिविटी का एक नेक्स्ट लेवल है जो इन्होंने अचीव किया है। और इसी बहाने हमारा आर्टवर्क भी, हमारा कॉम्पिटिशन भी उन तक पहुँच गया, जो मैसेज हमारा था वो पहुँच गया, और क्या पता हो सकता हो कल वो भी हमसे कुछ दो चार बातें कर लें, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अच्छी न्यूज़ है,
तो ये अच्छी न्यूज़ थी और ये कट गया। मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ आज ब्लॉग में ये वाली न्यूज़ शेयर करूँगा, मोबाइल वाली जो स्टोरी वाली है, बट यहाँ एक नई स्टोरी खड़ी हो रखी है जो कि मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये बेसिकली पंगा क्या है। आज तक मेरे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ, पहली वाली जो आर्ट कॉम्पिटिशन थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। दूसरा, मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था बेसिकली कुछ मैं लिख रहा था, पता है, फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद एक काइंड ऑफ रैप है जो मैं लिख रहा था। क्या है ये रैप, मतलब जस्ट जैसे बोलते हैं ना एक पोएट्री काइंड ऑफ थिंग, जल्दी जल्दी वाली जो रैप काइंड ऑफ थिंग होती है वो मैं लिख रहा था यहाँ पे, और दैट इज़ फॉर आवर APJ सर जो ड्राइंग है उसमें कुछ मैं सोच रहा था एक्सपेरिमेंट करने का। जबरू ने सजेस्ट किया है मुझे कि तो क्या फालतू के वीडियोस बनाता रहता है, कुछ उसमें ऐसा डाल कि लोगों को एनर्जाइज हों, लोग इंजॉय करें उसको। तो मैंने सोचा है इस बार की कुछ करने का, हेल्प भी ली है जबरू भाई साहब से, हो सकता हो जबरू भाई साहब खुद आ जाएं रैप करने, बट वो कह रहे हैं कि इस बार आवाज़ में वो मॉड्यूलेशन करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुमने मेरी आवाज़ को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है तो मेरी ओरिजिनल आवाज़ दिखाओ। तो हो सकता हो कि आर्ट वाले चैनल पर उनका डायरेक्ट आ जाए, जो उनकी ओरिजिनल आवाज़ है वो आ जाए, चलो देखते हैं क्या होता है। बट ये वाली न्यूज़ जो है ये मुझे अभी भी अच्छी नहीं लग रही है, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार ओपन हो जाए, नहीं तो हमारा बहुत तगड़ा कट जाएगा। मतलब हमने इतनी मेहनत की है इस चीज़ में, लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया है, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब ये वाली प्रॉब्लम को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि कुछ ऐसा हो जाए हमारे आर्ट कॉम्पिटिशन में। तो प्लीज़ गूगल सपोर्ट अस, मदद करो हमारी, जीमेल भाई साहब, गूगल भाई साहब, कुछ भी करके हमारे को आप मदद करो और हमारा ये जल्द से जल्द रिवैलिडेट हो जाए, जो अनयूजुअल यूसेज का जो मैसेज आया ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द, मैं ये उम्मीद में हूँ। आज इतना ही, क्योंकि और कुछ है नहीं बताने को। एंट्रीज़ आपकी धमाकेदार आ ही रही हैं, वो मैंने बता ही दिया आपको, और अभी भी एंट्रीज़ आए जा रही थी। आज जो मैं जब सेव कर रहा था तब मैंने देखा था कि आज शाम को भी एंट्रीज़ आ रही थी लगातार, बट अब उन चीज़ों को मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जैसा कि मैंने कमिट किया है आप लोगों से, विच इज़ नॉट फेयर फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि फिर तो सभी करने लगते। तो आप जो एंट्रीज़ आ रही हैं उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो वास्ट एंट्रीज़ थी वो ही मैं सेव कर रहा था, और ये अचानक से पता नहीं क्या हो गया। आई विश कि सब कुछ सही हो जाए, आप भी विश करो कि जल्द से जल्द ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।